प्यारे भाइयों दोस्तों और बुजुर्गों, एक अकेली रात अल्लाह की तन्हा तन्हा बिना शिरकत रहे इस पूरी कायनात को और कायनात की तमाम मखलूकात को उसने अकेले ने वजूद दिया और तमाम मखलूकात में इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया। इसीलिए दुनिया में इंसानों के आने का एक ही रास्ता और दुनिया से जाने का भी एक ही रास्ता। जब से दुनिया में इंसानों का आना शुरू हुआ है हर सारे मनुष्य का तस्लीम के जमाने से, जो आया जहां आया, कोई आसमान से गिरा न कोई जमीन से उगा न कोई कारखाने में बना, जो आया पैदाइश के रास्ते से आया, माँ बाप के रास्ते से। फिर जब से दुनिया से इंसानों का जाना, जो गया जो जा रहा है जो जाएगा, जाना सबको है, वो मौत ही के रास्ते से गया है और कोई रास्ता नहीं। तमाम इंसानों के आने का रास्ता एक और दुनिया से जाने का रास्ता एक। इस आने और जाने के बीच में जो वक्त है उसका नाम है जिंदगी। क्यों भेजा है हमने तुम्हें दुनिया में कि तुम्हें हमारे पास आना है हमको राजी करके, ये तुम्हारी असल जिंदगी का मकसद है। जिंदगी का असल मकसद आना हमारे पास है। इसीलिए जैसे बाप पर रखकर बेटों को नसीहत की जाती है, अरे तुम क्या हो, तुम्हारे अब्बा के साथ ये हुआ था, कहते ना लोग, तो सारे इंसानों के बाप हजरत आदम अलैहि सलाम कुल्लुकुम बनू आदम, तुम सारे आदम के बेटे हो, क्या हुआ तुम्हारे बाप के साथ, जन्नत की हर नियामत और किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं, खाओ पियो जो जी चाहे, बस इस दरख्त के करीब मत जाना। वला तक़रबा हाज़िहि शजरा, इस दरख्त के करीब मत जाना। लेकिन शैतान इसलिए हदीस पाक में आता है, इन्नमा खुलिका इब्लीस मुज़य्यिनन, शैतान पैदा ही ऐसा हुआ किया गया है कि जो चीज जितनी अल्लाह को अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नापसंद, जो चीज जितनी इंसान के लिए कब्र में हशर में आखिरत में परेशान करने वाली, उसको बहुत खूबसूरत बनाकर इंसान के सामने पेश करता है। जैसे वहां कसम खाई उसने, अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम के पास आया, इसीलिए बार बार कहते हैं खू अंतुशकुम अहलिकुम नारा, खाली बीवियों के बच्चियों के बहुओं के कपड़े बना देना, जेवर बना देना और फर्नीचर उनके लेकर देना इतना नहीं, सबसे पहले उनको जो सामान देना है वो जहन्नम से बचने का। और ये जितनी दुनिया है ऐसी एक दस दुनिया अगर किसी के पास हो, इससे जहन्नम से नहीं बच सकेगा। जहन्नम से बचने का सामान तो जिंदा ही है, ईमान है, आमाल है, अल्लाह रसूल की मोहब्बत, इबादत और इताअत है। अम्मा हव्वा के पास आया, जानती हो तुम्हें क्यों रोका इस दरख्त से, ये तकूना मिनल खालिदी, यहां से निकलना ना पड़े। अगर खा लोगी तो यही रहोगी,
आगे जितने तस्वीरों में आगे पीछे होते हैं ना, बयान सुन के, किसी बुजुर्ग से मिल के, किसी मौलाना से मुलाकात करके, तालीम के हल्कों में बैठ कर और बयान सुनकर मैं बहुत जी चाहता है जिंदगी लगा दू। और बिल्कुल इरादा तैयार कर गया, बिस्तर भरना शुरू, कहाँ जा रहे जिले का इज्तिमा है, सब लोग तो क्या है जिला का एकदम नाराज हो जाती है। उन्होंने कहा था तो मैं सोच रहा हाँ, ये जिसके बहादुर बैठे है ना सब सुस्मार का बाहर है, हाँ कुर्बान जाए हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया कुल्लुहा मता व खैर मताहा अल मरअत सालिह तुईन रजुल अला दीनिही औ कमा काल अलैहि सलाम। सारी दुनिया ये तो बरतने का सामान है, इस पूरी दुनिया का सबसे अच्छा सामान घर की वो नेक बीवी जो आदमी की दिनदारी पर मदद करे। तो तस्वीर कहां की हुई है देखना, अब तो सर्दी शुरू हो रही है, कुछ गर्म कपड़े, कुछ कम्बल, कुछ शाल, कुछ ऐसा रख लेना, वो ओवरवती है जब उनका गहन बनाया जाता है, तो वो सबसे अच्छा सामान। अम्मा हवा ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कहा, बीवियों की बात तो शोहर सुनते ही है ना, इसलिए वो बिल्कुल अखीर वक्त में जब सारा घर खा पी के फारिग हो जाता है, जब लेटने लगते हैं उस वक्त बराबर में लेटती है, उस वक्त कुछ कहती है कान में, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारी सब जानता हूँ, मुझे सब मालूम है, तुम जितने इस्तेमाल मारो अच्छी बात है, तुम जैसा कहती हो तो ठीक है। अम्मा ने कहा, अब्बा ने कहा जरूर फिर खा लेते, खा लिया। अल्लाह तो अल्लाह है, अल्लाह के अलावा जो कुछ है वो सब मखलूक, नबी पैगंबर सालहीन औलिया अल्लाह अच्छे बुरे सब मखलूक, जमीन आसमान चांद सूरज, इसलिए अब्बा इब्राहिम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने मिल्लत अबी को तुम्हारे बाप की मिल्लत पर हो, मिल्लत अबीकुम इब्राहिम हुवा सम्माकुम अल-मुस्लिमीन, उन्होंने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है, और उन्होंने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने दोनों ने अपने बेटों को जमा किया था, ववस्सा बिहा इब्राहिम बनीहि व याकूब, आदमी मरते हुए दुनिया से जब जाता है तो बड़े बेटे को बुलाना, बेटी को बुलाना, कहते दोनों ने अपने बेटों को बुलाया, या बनी इन्नल्लाह अस्तफा लकुम दीन फला तमूतुन इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, बेटो अल्लाह ने तुम्हारे लिए दीन पसंद किया है, खबरदार दीन ही पर मरना है, मुसलमान होके मरियो, और मुसलमान होके जब मरोगे, जब मुसलमान होके जियोगे, दीनदार बन के जियोगे तो दीनदार वाले मौत आएगी, इसलिए कहा ना ये हमारी फजाइल की जो किताबें है ना, फजाइल अमाल फजाइल सत्कार, ये तो आईने है, आईने एक्सरे मशीन, डॉक्टर साहब के गुर्दे में पथरी हो तो एक्सरे मशीन बताती है कि नहीं बताती है, अगर डॉक्टर साहब है
डॉक्टर साहब हो तो उनके अफवाह हो, मेरा काम तो यही है जो जो मशीन पर आएगा अंदर की बता दूंगा। ये दिखते हैं बहुत पुराने, बहुत अच्छा इलाका, बड़े बड़े खवात, बड़े बड़े चुनी और चुनार ही और हाँ और पता नहीं क्या क्या, सबके लिए एक्सरे मशीन है, उसी उन्हीं फजाई की किताबों में है। कयामत में किसी का हशर नबियों के साथ, सिद्दीकीन, शहदा, सालिहीन के साथ, किसी का फिरौन, कारून, हमान, सद्दार, रुबी में खल्क, सुना है नहीं सुना है, तालीम में बैठते हो ना, इसीलिए कहते हैं वो मौलवी साहब जोहर के बाद में बेचारे कितना लंबा कहा, पर बार बार ये बातें सामने आती है। ये अमाल यूं नहीं है जैसे खाया था अल्लाह खान, अल्लाह के यहाँ सबसे बड़ी और सबसे अहम चीज जो है वो उसका हुक्म है, और उसके हुक्म के मानने में कितनी ताकत है और हुक्म तोड़ने पर कितनी जबरदस्त सजा है, सारी शरीयत का खुलासा, सारे दीन का खुलासा। अच्छे अमलों पर बदला देंगे, गुनाहों पर सजा देंगे। बदले की यह सजा की असली जगह तो है आखिरत। हाँ, दुनिया में दोनों, मन आमन व अमिल सालिह मिन ज़कर अव उन्था व हुवा मुमिन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा। मर्द हो या औरत हो, अल्लाह को अल्लाह मानते हुए अल्लाह ही सब कुछ, उसी से सब कुछ, कोई कुछ नहीं, किसी से कुछ नहीं, नफा नुकसान, इज्जत, जिल्लत, बनानी बिगाड़नी सब उसे। अल्लाह को मानते हुए अल्लाह के हुक्मों वाली जो जिंदगी जिएंगे, मर्द हो या औरत, अमल सालेह जो है ना वो थोड़े अमलों का नाम नहीं है, दसवीं पढ़ ली कुछ सत्ता कर दिया और कुछ, इतना नहीं है। पूरी जिंदगी में वो खाना कमाना हो, वो घर की शादी ब्याह हो, वो बीमारी तंदुरुस्ती हो, जवानी बुढ़ापा हो, सफर हजर हो, मालदारी गुर्बत हो, जो जिस हाल में है उस हाल से मुताल्लिक जो अल्लाह का हुक्म है, उस हुक्म को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर पूरा करना, उसका नाम अमल सालेह। तो मर्द हो या औरत, अल्लाह पर ईमान और अल्लाह के हुक्मों वाली जिंदगी जो जिएंगे इस दुनिया में, हम उनकी जिंदगी खुशगवार बना देंगे। झुग्गी में रहते हैं, किराए के मकान में रहते हैं, कभी घर में फाका है, लेकिन गिरों में सुकून चैन, जैसे सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम हमारे लिए नमूना है। यहाँ फाके कैसे आए, अरे फाका आता था तो क्या कहते थे, घर के बच्चों को, घर वालों को जमा करके, भाई बेटो आज अपने घर में मेहमान आए हैं, जैसे रमजान मुबारक कहां से आते हैं, अल्लाह के पास से आते हैं ना, रमजान अल्लाह का भेजा हुआ मेहमान, ऐसे ही उनके घर का फाका, बच्चों आज अपने घर मेहमान आए हैं और भेजा है मालिकुल मुल्क ने, इस मेहमान का ऐसा इकराम करना है जैसे अपने घर पर मेहमान आता है और वो आराम करते हैं, तो अपने घर के बच्चे शोर मचा रहे हों, खेल रहे हो, चलो मेहमान आराम कर रहे, इनको पता है ना, अरे बोला मैं यार कुछ तो मान कर रहा हूँ, तुम्हारे तो हलत में उंगली डाल के चार महीने निकलवाने हैं मुझे, आज अपने घर मेहमान आए हैं मालिकुल मुल्क के बेटे हुए। इसलिए कहा जिस पर पापा तीन दिन तक गुजरे और किसी को पता न चले तो ये आया मेहमान
एक साल की हजार रोजी का दरवाजा खुलवा के जाता है, और जो मखलूक के सामने रोते फिरते हैं, अल्लाह नहीं कहता ज्यादा तेरा रजाक तो वे वही चलेगा, फिर अल्लाह को परवाह नहीं होती। इसीलिए हमें हर कदम पर यह हुक्म है, अल्लाह की तरफ रुजू करो। मैंने कहा कि अल्लाह के यहाँ सबसे बड़ी चीज उसकी फरमाबरदारी है, और अल्लाह की सबसे बड़ी नाराजगी हुक्म तोड़ने में। असल बदला और असल सजा की जगह तो आखिरत है। अपनी तरफ मुतवज्जह करने के लिए इंसान हो, जानवर नहीं हो, जानवरों के लिए कोई शरीयत नहीं, हलाल हराम जायज ना जायज कबर हशर हिसाब किताब जानवर के लिए नहीं। जो जानवर अपनी माता के पेट से पैदा हुआ, जितने जिंदगी के दिन है, जौन सी गली जौन सा मोहल्ला जहाँ जिस तरह चाहे पूरे कर ले, दिन चला जाए। इंसान हो, अशरफुल मखलूकात हो, तुम्हें तुम्हारे हाल पे नहीं छोड़ा है। जब हमने तुम्हें पैदा कर दिया, आंखें दे दी, कान दे दिए, हाथ पैर दे दिए, जियो जैसा तुम्हारा जी चाहे और मरो वहां जहां तुम्हारा जी चाहे और खाओ जैसे तुम्हारा जो जी चाहे। खबरदार, इन्नल्लाह अस्तफा लकुम दीन, अल्लाह ने तुम्हारे लिए दीन पसंद किया है। दीन क्या है? दो चीजों का मजमूआ, करने के काम, बचने के काम। ये करो, ये आंखों से ये देखो, ये देखो, इस तरह रो, ये आंखों इन आंखों से ये मत देखो, जबान से ये बोलो ये मत बोलो, कान से ये सुनो ये मत सुनो, इधर चलो इधर मत चलो, हाथों से ये पकड़ो ये मत। तो करने के और बचने के, करने के कामों पर इनामात के वादे, ये दुनिया में तो तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। यहाँ तो थोड़ा यूं कहते हैं, ईमान और अच्छे अमलों की यानी हुक्मों वाली जिंदगी पर पहला इनाम अल्लाह की तरफ से दिलों में सुकून। झुग्गी है, किराए का मकान है, गरीब है, पापा मस्त है, लेकिन दिल में सुकून की तह जमी हुई। وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ, جو اللہ کو بھولتا ہے, اللہ سے آنکھیں بند کر لیتا ہے, کیا اس کا حکم, کیا اس کی فرما برداری, کیا اس کی جزا مندی, کیا اس کی ناراضگی, اس کی پرواہ نہیں, جو جی میں ہوئے, کھانے میں, کمانے میں, پہننے میں, اڑنے میں, شادی میں, بیاہ میں, सबसे पहले उसके साथ शैतान लग जाता है। और वो उसको इसलिए जगह अल्लाह की नियामतों की नाफजरी होती है तो अल्लाह जैसा छीन लेते, और कैसे आदमी फितनों में मुबतला हो जाता है। अगर ये सब वाकयात कुरान के जितने वाकयात हैं, ये अलिफ लैला की दास्तान नहीं है, ये अल्लाह के जाब्ते हैं, अल्लाह के कानून है। उसके यहाँ रंग जबान कौम बिरादरी खानदान इनमें की कोई चीज बुनियाद नहीं, ईमान अमल ईमान अमल ईमान अमल बस इनाम। अल्लाह को नाराज करने वाले वाली चीजें हुक्म तोड़ दिया कि अब तुम जितने बड़े भाग के बेटे हो, हमारे यहां कोई भाव नहीं। अल्लाह पाक नाराज हो गए, जन्नतें थी और कोई नियामत ऐसी नहीं जो वहां ना हो, लेकिन वो शैतान लगा हुआ है ना, इसलिए मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जब अल्लाह पाक ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला तैयार किया तो ताइफ शरीफ और अरफात का मैदान जहां हजी जाते ना, उसके
बीच में एक जगह है, वहां पुतला रखवाया। और शैतान, क्योंकि अल्लाह ने कहा था कि मैं अपना खलीफा बनाने वाला हूं, शैतान कह रहा है 7 लाख साल तक इबादत मेरे से अच्छा, मेरे से ज्यादा बुजुर्ग है कौन? वो तो नहीं हूं। अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अपना खलीफा बनाया। इसके लग गई तन बदन में, फरमा जाके देख जिसको खलीफा बनाने वाला हूं। आया शैतान और ये सुराख है ना नाक के दो नथने, ये शैतान का मेन गेट। जैसे फैक्ट्री में जाना हो, घर में जाना हो, मोहल्ले में मेन गेट होते हैं ना, शैतान का मेन गेट। जब कोई आदमी किसी पर गुस्से होते हैं तो सबसे पहले ये पूछते हैं, क्या रहा? आया गया अंदर, अब अब्बा अम्मा चचा दादा उस्ताद बुजुर्ग आ गया। इसलिए कहते हैं दीन सीखो, और कुछ सीखो ना सीखो, दीन सीखो, ये जरूरी है इंसान के। तो अंदर गया, उस वक्त तक अल्लाह पाक ने रूह नहीं डाली थी, बाहर आके कहने लगा ये तो खोखला है, इसमें तो कुछ, इसको तो खाली एक फूंक पर नचाऊंगा। हदीस में आता है यंग फुट, शैतान ज्यादा जोर नहीं लगाता, फूंक मार देता है, चालू गया बस उठा के ले जाता है, अजान हो रही है मस्जिद में नहीं आने देता, अल्लाह का जिक्र हो रहा है बैठने नहीं देता। जितनी अच्छी सहबतें हैं, अच्छी मजलिस हैं, उसे बगा खूब बात और खाना खा लिया, खूब मजे खा। अब नमाज के बाद सर्दियों की रातें तो बहुत लंबी होती है ना, फिर चौपालों पर, होटलों पर, चौराहों पर, फिर धपबाजी 11:30-12:00-1 बजे तक बहुत खुश होता है। हाँ आदम के बेटे, मैंने भी कसम खाई है, जब तक जहन्नम में लेके नहीं जाऊंगा अकेला नहीं जाऊंगा। मुख्तलिफ रास्तों से आता है, इसीलिए अल्लाह पाक ने बहुत प्यार के साथ कहा, या अय्युह अन्नास इन्न वअदल्लाहि हक फला तगुर्रन्नकुम अल-हयातुद दुनिया वला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गुरूर। लोगो, अल्लाह कहते हैं, या अय्युह अन्नास, ओ लोगो, अल्लाह के जितने वादे हैं वो हक हैं, नमाज पर, रोजे पर, अखलाक पर, अल्लाह के रास्ते की नकल हरकत पर, भूखे को खिलाने, प्यासे को पिलाने, यतीम बच्चे के सर पर हाथ रखने, यतीम की कफालत पर, घर के बहु बेटों और मेरी बच्चों को दीन सिखाने, जितने वादे हैं हुक्मों के पूरा करने के, नबी की सुन्नतों पर, वो हक है, हक है, हक। और जितनी वादे हैं नमाजों के छोड़ने, रोजों के कजा करने, झूठ बोलने, लौने पास कराने, यहाँ होता है लोन पास कराते, अरे बोल रहे तुम घबराते क्यों हो, जो पूछो उसका जवाब तो दो, मालदार बनने के लिए लोन पास कराते हैं ना। अब सुन ले तो आप, कई साल पहले वहां हम जब निजामुद्दीन में थे, एक आदमी आया और रो रहा था और ऐसी वो बोला ही नहीं जाता था, अरे भाई तुझे कुछ कहना है तो कह तो सही, उससे रहा नहीं जा रहा, बहुत मुश्किल से वो चुप हुआ। तो उसने कहा, मल साहब मैं बहुत मालदार और बड़ा ताजिर था, मार्केट में मेरा नाम था, बड़ी बड़ी पार्टियों से मेरे यहाँ माल भी आता था और लोगों के यहाँ भी बहुत बड़ा बड़ा
सामान जाता है। हालात तो आते हैं, जैसे रात रात का अंधेरा भी है, दिन का उजाला भी है। दुनिया तो हालात की जगह है, कभी जवानी, कभी बुढ़ापा, कभी बीमारी, कभी तंदुरुस्ती, यानी कभी मालदारी, कभी गुर्बत, ये सब अल्लाह की हिकमत होती है, अल्लाह की मसलहत होती है, अल्लाह जानते हैं। क्या कारोबार मेरे बिल्कुल डाउन हो गए? जिनको मुझे देना था उनको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं, और जिनसे मुझे लेना था वो कोई आ नहीं रहा है, मेरा कोई दे नहीं रहा है, बहुत परेशान। रोजाना सुबह को खटखट खटखट, जैसे दरवाजा खोलता, हाँ भाई वो हमारा क्या हुआ, देते क्यों नहीं हो, इतना वक्त हो गया। मैं बहुत शर्मिंदा होता था, भाई कुछ है नहीं, क्या दूं। एक रात में बहुत परेशान, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। आपने फरमाया बहुत परेशान हो, क्या बात है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कर्ज वालों ने जीना मुश्किल कर रखा है, सुबह से शाम तक हमारा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ख्वाब में, इतना है? अल्लाह के रसूल इतना है, ऐसा है। अच्छी बात, एक बात याद रखियो, आइंदा कभी सूद में ब्याज में हाथ मत डालना। आंख खुल गई, हाथ था, नमाज के लिए मस्जिद गया, मस्जिद से आया, अभी घर में आया ही था कि वही रोजाना की तरह खुट खुट शुरू हो गई। दरवाजा खोला डरते डरते, तो एक आदमी खड़ा है और वो बार 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 ये कह रहा है, पहले आप माफ कर दो, आप माफ कर दो, आप, अरे भाई क्या माफ करूं वो तो बता, आप माफ कर, क्या माफ करूं। उसने कहा कि मैं आपका बहुत पुराना ग्राहक, आपकी दुकान से मेरे यहां बहुत जत्थे में माल आता था, चावल दाल जो भी था उसका सामान। मेरे कारोबार ऐसे हो गए कि मैं आपको मुंह दिखाने के लिए के काबिल नहीं था। नीयत मेरी ये थी कि जब अल्लाह मेरी मदद करेंगे, मेरा हाथ खुलेगा, तो जिसका जो बाकी होगा आना पाई के साथ चुका होगा। उसके हाथ में इतनी बड़ी पोटली थी कि कहा कि आप माफ कर दो, ये सब आपका है, ले जाइए। मैंने कहा जीजा भाई अल्लाह के लिए माफ किया, वो चला गया। मैं वो पोटली लेकर घर में गया, ये वाकया है अभी का, ये सहाबा के दौर की बात नहीं सुना रहा हूं, ये जो आजकल लोग बहुत लॉन पास करा रहे हैं ना, लॉन पर गाड़ियां, लॉन पर ट्रैक, लॉन पर ट्रैक्टर, लॉन पर पैसा, लॉन पर क्या क्या, अल्लाह तो अल्लाह है, उसके कानून में लन तजिद लिसुन्नतिल्लाह तब्दीला वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाह तहवीला। अल्लाह के जो अहकाम है उसमें तब्दीली नहीं। मैं वो पोटली लेकर घर में गया, खोली तो बहुत बड़ी रकम। अब जो मैंने देखना शुरू किया तो जो मुझे लोगों को देना था वो भी दिया, वो भी देश देने देने के लिए है, और उसके अलावा अच्छी बड़ी रकम बच रही है। खैर मेरी भी जैसे उसकी नीयत थी मेरी भी नीयत थी, अगर अल्लाह पाक ने मेरी मदद की तो भाई जो लोगों का है मुझे देना है। अब तो मैंने शहर में लोगों को देना शुरू किया, जहां जहां से मुझे, तो सारे शहर में चर्चा हुआ, भाई फलाने माशाल्लाह बहुत दिलदार आदमी, दयानतदार, अमानतदार, बेचारे पर परेशानी किया, अल्लाह ने मदद फरमाई, सब तक चुका रहे हैं। कुछ लोग होते हैं
बगैर पैसे के मशवरा देने वाले, बगैर बीच की वकालत कुछ आए, इसीलिए कहते हैं इतना ईमान बनाओ, इतना ईमान बनाओ, अल्लाह से इतना ताल्लुक पैदा करो, अल्लाह का डर इतना अंदर पैदा करो। कुरान में कितनी जगह है अल्लाह से डरो, तकवा ओ ईमान वालो अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। ये ईमान इतना बनाओ कि ये दिल की आंखें समझा दे के दोस्त है के दुश्मन है, पताशे में जहर दे रहा है या कड़वी दवा खिलाकर अंदर की बीमारी के खत्म होने का सामान दे रहा है। इसीलिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इत्तकू फिरासतल मुमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह। मोमिन की फिरासत से डरते रहो, वो नूर खुदा से देखता है। जैसे बाज मरतबा पानी में जरासीम आ जाते हैं ना, अब गिलास से बहुत साफ पानी भी बहुत साफ, आदमी पीने के डॉक्टर ओ मरसा वो मरसा ये पानी मत पियो भाई, क्यों? इसमें जरासीम है। अजीब आदमी हो, इतना साफ गिलास ऐसा तुम नहीं मानोगे। मेरे साथ वो ले गया अपने ऑफिस में, और वो शीशा होता ना जो छोटी चीज को बड़ा बना दिखाती है, वो शीशा रखा। जब शीशा रखो हो, ये तो सारा कीड़ों से भरा हुआ है। तो डॉक्टर साहब पूछते हैं कितना पिया, ये आज सात आठ गिलास तो पिए होंगे अभी तक, तो ये सब अंदर गए हैं। सुनो, अभी इमरजेंसी में डोज देता हूँ, वो डोज तो अभी फौरन ले लो, ताकि दस्त के जरिए पखाने के जरिए वो कीड़े निकल जाए। इसलिए इनसे कहते हैं एक डोज तो चार महीनों का नकद ले लो। हाँ, ये डोज है अम्मा को भूले हुए। कुछ लोग आए, कहने माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, आपकी दिलदारी, आपकी अमानतदारी, आपने लोगों को ठिकाना शुरू किया, अर्चना तो कच्चे रकम भी आपके पास बची। हमें तो खैर, हम तो आपको देखे हुए हैं, आपको तो पहचानते हैं, आपको बहुत कैसी पार्टी थी और कैसे मार्केट में शेयर क्या थे। वो राय है, मशवरा है, वो तो आपके पास रकम बची है ना, उस पर आपकी इतनी लोन पास हो सकती है। अगर आप इतनी लोन पास करा लेंगे, फिर गाड़ी ट्रैक्टर, बेटे की अलग, बहू की अलग, और शादियां कैसी आपकी, फिर दोबारा आप मार्केट में आ जाएंगे। अल्लाह क्या कहते हैं, जैसे आदम अलैहिस्सलाम से कहा था दरख्त के करीब मत जाना, अल्लाह सूद ब्याज वालों को या अय्युहल लजीना आमनु तक्कुल्लाह वज़रू मा बक़िय मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन। ईमान वालों, अल्लाह से डरो और ब्याज सूद छोड़ो अगर अल्लाह को अल्लाह मानते हो। फ़इल्लम तफ़अलू, अल्लाह का डर पैदा नहीं करते हो, अल्लाह से नहीं डरते हो, अल्लाह को सब कुछ करता धरता नहीं मानते हो, अगर ये नहीं करते हो, सूद नहीं छोड़ते हो, तो आस्ती में चला लो, पांचे चला लो, बेहर मिन अल्लाह व रसूल, अल्लाह से उसके रसूल से लड़ने के लिए आस्ती में चला लो। ये कौन कह रहा, कुरान अल्लाह कह रहे हैं। और ये तो सब जानते हो ना कि भाई यहां से काकोशी का रास्ता कौन सा है, यहां से अहमदाबाद का रास्ता कौन सा है। अहमदाबाद के रास्ते पर आदमी चलेगा तो अहमदाबाद पहुंचेगा, बंबई के रास्ते जाएगा तो बंबई पहुंचेगा,
कि अब इसने लॉन पास कराई, अल्लाह से लड़ाई के रास्ते पर पड़ गया। नमाज भी पढ़ता है, उमरा भी करता है, सब पे खराज भी करता है, लेकिन हस्ते में चढ़ा कर तो उस आदमी ने जो आया था उसने सुनाया कि उन लोगों को मैंने समझा नहीं, उनके मशवरे पर मैंने लॉन पास करा ली। अल्लाह को आप गुनाह पर एकदम नहीं पकड़ते, ये जो रात को ढाका डालते हैं, बड़े बड़े ढाके डालते हैं ना, तो जो बिल्कुल मुफलिस जिसके पास कुछ नहीं वो सुबह को लखपति हो जाता है, और जिसका घर लूटा है अब उसके तो खाने के भी लाले पड़ रहे हैं। लेकिन ये डाकू है, उसने रिपोर्ट कराई पुलिस में, तब पुलिस पीछे लगी तलाश करने में, आप यहाँ कौन आता है, कब आता है, पिछली रात को कौन आया था, आप किसको जानते हैं, आपको बहुत सारी बातें हैं। इसीलिए अभी मैं एक किताब पढ़ रहा था, हर आदमी के साथ 24 घंटे अल्लाह की खुफिया पुलिस लगी हुई है, क्या बोला, क्या देखा, क्या खाया, कहाँ बैठे, क्या किया, बराबर वो नोट करते रहते। क्या मन साथी भी नहीं आलमो नमाता था भी। तो जब मैंने लॉन पास करा ली तो शुरू में तो गाड़ी भी आई, खाते पीते भी हो गए, मार्केट में भी आ गए, लेकिन वो जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अय्युहन नास इन्न वअदल्लाहु हक, अल्लाह के वादे हक हैं, अल्लाह की वईदे हक हैं, जमीन और आसमान ऊपर नीचे हो सकते हैं, अल्लाह के यहाँ वादा खिलाफी नहीं होती, नेकी का बदला गुनाह की सजा यकीनी है। कहने लगे कि फिर थोड़े दिन के बाद फिर दोबारा कारोबार मिले, और वो रोते रोते यूं कह रहा था कि अब हाल मेरा ये है कि गांव में रहने को मेरे पास घर नहीं है, वो घर में गिरवी रख चुका हूं। अल्लाह तो अल्लाह है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के हम सब औलाद हैं, दरख्त के करीब जाने को मना किया था शैतान ने, पत्ती पड़ा दी, और शैतान कसमें खाता है, वकासमहुमा इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन। उलमा से पूछो इसका तर्जुमा, कितनी ताकीद, जैसे कहते ना अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, लोग कहते हैं ना कसम का, अरे तेरी कसम मुझे क्या लेना है, क्या कहता है, दोनों ने कसमें खाई, हम तो आपका भला चाहते हैं ताकि आप हमेशा जन्नत में रहे, मुझे क्या ले रहा, मैं तो, मेरे पास तो जन्नत है, मेरे पास तो मार्केट में है, और मेरा तो बेटा भी दुबई में है, और दामाद कुवैत में है, और वहां से बराबर चैन आए, मैं तो आपको मशवरा दे रहा हूँ कि आपकी ये जमीन है, यहाँ क्या उमता जीरा होता है कि नहीं होता है, न क्या भाव में, क्या कहाँ इसमें पड़े हो, इसे बेचो और कुछ पैसा बनाओ और लोन पास करा दो, तो फिर नगर सेफ हो जाओगे, मुझे क्या लेना है आपके भले के लिए। इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन, हर वो आदमी याद रखना, सगा बाप हो, भाई हो, बेटा हो, चाचा हो, ससुर हो, शरीयत के खिलाफ जो मशवरा दे वो दुश्मन है, दोस्त नहीं। शैतान ने कसम खाई, अम्मा अब्बा ने खा लिया, अल्लाह के यहाँ तो अल्लाह रंग देखते हैं, न जबान देखते हैं, न बिरादरी देखते हैं, न इलाका देखते हैं, वो तो उसके यहाँ का हुक्म, इसलिए उसका हुक्म कितना ताकतवर है कि एक हुक्म
उत्तम जमीन और आसमान से ज्यादा कीमती और अल्लाह के हुक्म का टूटना जमीन और आसमान के खत्म होने से ज्यादा खतरनाक। इसीलिए हम तो हुजूर की उम्मती हैं, हमें तो दो काम दिए हैं, हर एक की अपनी जिंदगी, जवान हो बुरा हो गांव में हो दुकानदारी करता हो खेती करता हो नौकरी करता हो कारखाना हो, हर एक को अपना दीन सीखना है, दीन पर चलना है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दुनिया में कोई नबी नहीं जो आपकी बेचैनी, जो आपका फिकर, जो आपका गम, अजीज वाले ही मां अपने नबी को पहचानो तो सही, अजीज वाले ही मां हरीशुन अलैकुम بالمؤمنين رؤوف رحيم। वो शराफा नूर शराफा रहमत तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, किसी की अदना तकलीफ वो मशरिक में हो मगरिब में जापान में हो चाहे चाइना में हो, किसी की अदना तकलीफ तुम्हारे नबी को बेचैन कर देती है, उनको हिरस है इस बात की तुम्हारे पास अल्लाह की दी जान है, अल्लाह का दिया माल है, क्या मजबूत है तुम्हारी ये अल्लाह की दी हुई ताकतें गलत इस्तेमाल होने से बचकर, जहन्नम का सामान बनने से बचकर, अल्लाह को राजी करने वाले और जन्नत का रास्ता साफ होता चला जाए, इसके लिए तुम्हारे नबी के हिरस वो चाहते। इसलिए हमको सबसे पहले हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आपके सर मुबारक पर पैगंबरी का ताज रखा गया और अल्लाह ने कहा प्यारे पैगंबर या अय्युह नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबशिरन व नदीरा व दाइयन इलल्लाह बिइज्निही व सिराजन मुनीरा। प्यारे नबी हम आपको गवाह बनाकर बशीर और नजीर बनाकर और दाई इल्लाह बनाकर और फिर सिराज मुनीरा आपको अपनी जात से करना है और कयामत तक आपकी वाली जिंदगी का पैगाम पहुंचाते रहे अपनी जान और माल की कुर्बानी के साथ, ऐसा मजमुआ तैयार करके फिर दुनिया से पर्दा कर। तो हुजूर की नियाबत है, इसलिए कहा कि पूरी उम्मत का एक एक बच्चा दुनिया के किसी किनारे में हो, जिसने कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो वारिस है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने कुछ फरमाया कि हमारी नबियों की जमात पीछे वालों को पैसे का वारिस नहीं बनाते, जो दीन और जो दीन की मेहनत और जो दीन का इल्म हम लेकर आते हैं हम तो उम्मत को, इस उम्मत का एक एक बच्चा मोहम्मद सल्लल्लाहु का वारिस है। और आप सब जानते हो बाप के मरने पर औलाद वारिश होती है ना, उनकी जमीन उनका मकान उनका पैसा उनकी सारी चीजों हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे दीन की वारिश है ये उम्मत, इसकी औरतें भी इसके इसका एक एक फर्ज। कुछ वारिश वो होते हैं जो ऐश में अय्याशी में खेलकूद में चूहे में शराब में बाप दादों की दादाजी बेच खाते हैं खत्म कर देते, कुछ वो होते हैं जो उसकी हिफाजत करते हैं। इस उम्मत के जिम्मे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की हिफाजत भी है, निगरानी भी है और इसको दूसरों तक पहुंचाना भी इसकी जिम्मेदारी है।
कैसे होगी? आप सब जानते हो हर चीज की हिफाजत कपड़े अलमारियों में महफूज होते हैं, किताबों की जगह अलग होती है, और जेवर घर का जो उसका जेवर बक्स और तिजोरी अलग होती है। ये दीन, इस दीन की हिफाजत आंखों का दीन आंखों में, जबान का दीन जबान में। इसलिए हुजूर ने फरमाया अल मुमिनु ला यकज़िब, जो अल्लाह को अल्लाह मानता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का नबी मानता है, कभी झूठ नहीं बोलेगा। अल मुमिनु ला यखदा वला युखदा, ईमान वाला धोखा देगा भी नहीं पर धोखा खाएगा भी। इसकी शान बताइए। तो पूरी उम्मत वारिश है, और वारिश दोनों तरह के होते हैं। जैसे ये सगाई में सफात है ना हमारी किताब तालीम की, उसमें एक वाकया है मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह का, बहुत बड़े बाप के बेटे थे और बाप की बड़ी जागीरें और बड़ी दौलतें विरासत में, लेकिन जिंदगी में दीनदारी नहीं थी, अल्लाह का खौफ नहीं था। मरना है, मर के खुदा को मुंह दिखाना है, अपना जवाब इसका ख्याल ही नहीं। दौलत का नशा, जैसे नशे अलग अलग होते ना, शराब अंगूर की भी बनती है, खजूर की भी बनती है, जव की भी बनती है, बहुत सारी शराबें, हर शराब का नशा। ऐसे किसी को दौलत का नशा, किसी को बड़े बाप का बेटा होने का नशा, किसी को बड़ी बिरादरी और खानदान का नशा, किसी को अक्सरियत का नशा, किसी को इल्म का नशा, बड़े बड़े नशे वाले। नशे में है मालिक, ये अजीब बात है। क्योंकि अल्लाह पाक करीम है, अल्लाह पाक रहीम है। और करीम किसको कहते हैं? करीम कहते हैं जो गैर मुस्तहिक हक तो है नहीं लेकिन उसको भी देते हैं। ये जिंदगी तो ऐसी है, अल्लाह इसको हिदायत देना चाहते हैं, इस पर करम फरमाना चाहते हैं। इसलिए ये जो हमारे इज्तिमात, ये हमारी मजलिसें, ये कदम उठते नहीं, कदम उठते नहीं, उठाए जाते हैं, हम नहीं आए हैं। अल्लाह ने करम फरमाया हम पर, अल्लाह ने करम फरमाकर हमको लाया। अब ये अल्लाह का दस्तूर है कि अगर अल्लाह की नेमत की बंदा कदर करता है तो नेमतों के दरवाजे खोलता है, ना कदर करता है कि ऐसा इस्तेमाल, ऐसे उलमा, ऐसे लोग और इसी में आवारा कर दी, यहाँ बैठ गए, वो गप मारी, ये रिबतें कर ली, नापदरी है। तालीम के वक्त में तालीम, घर के वक्त में घर, मुलाकातों के वक्त में मुलाकात, बयान के वक्त में बयान, नमाज के वक्त में जो अमाल है इसके। तो खैर, मालिक की जिंदगी बहुत, लेकिन अल्लाह करीम कैसे करी। उनकी एक बच्ची थी, वो बचपन में मर गई थी, याद कर करके रोते रहते थे। एक दिन रोते रोते आंख लग गई तो क्या अजीब देखा, सत्यल मैदान, ऊपर आसमान, नीचे जमीन, न कोई दरख्त, न कोई साया, न कोई आदमी, बिल्कुल अकेले है मालिक। वहशत हो रही है, मैं क्या कहां फंस गया। अभी ये वहशत खत्म नहीं हुई थी कि देखा एक बहुत लंबा चौड़ा सहा सुफारे मारता हुआ आ रहा है। जिंदगी में कभी इतना बड़ा देखा नहीं था। अब ये भाग रहे हैं, वो पीछा नहीं छोड़ा, सांस फूल गया, शाम हो गई, ख्वाब में किनारे पड़े यहां बैठे हुए, अब्बा जी ये सुबह से पीछे लगा है,
बेटा मैं तो बहुत कमजोर हूँ, अपने पैरों पे निकल, मैं तेरी क्या मदद करूँ, तो मुझे कोई रास्ता तो बता दो। रास्ता तो इतना बता सकता हूँ, ये पहाड़ है ना, इस पर चढ़ जा, ये नहीं चढ़ सकेगा तू बच जाएगा। इसीलिए कहा बड़े गुरुओं से मशवरा किया करो, अच्छे तजुर्बेकारों से मशवरा किया करो। खुद ही अपने आप को मैं कुछ समझता हूँ, मैं सब समझता हूँ, मैं समझता, मार खाओगे मार। मालिक बिन दिनार में बड़े न्याय की बात नील में है, हाथ में चढ़ गए पहाड़ पर चढ़े तो क्या देखते हैं, एक अजीब फुलवारी है। ये सब अल्लाह की तरफ से होता है, अल्लाह हिदायत जब देना चाहते हैं तो उसके असबाब भी, और जब नेमतों की नाकदरी होती है तो फिर गुमराह कैसे होते हैं। कुरान पढ़कर गुमराह, कुरान के रास्ते से आयते पढ़ रहे गुमराह हो रहे, हदीसें पढ़ रहे गुमराह हो रहे। इसीलिए कहते हैं बड़ों की सरपरस्ती, उलमा इकराम की सहबत, अपनी हर चीज को उनसे पूछ पूछ के करना। मालिक बिन दिनार के जान में जान आई, कुछ सांस ठीक हुआ और ध्यान से देखा तो पानी के चश्मे, फुहारे, बच्चे खेल रहे हैं, और जो देखा तो उनकी वो बच्ची जो बचपन में मर गई थी वो नजर आई। बेटी ने बाप को पहचाना, बाप ने बेटी को पहचाना, वो अपने सारों को छोड़ के अबू 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 कर, अरे बेटी तुम यहाँ, अब्बा आपने नहीं सुना, इब्राहिम बनी ही वो जो कुर्बानियां दी थी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, वतन छोड़ा, घर छोड़ा, जंगल में पड़े, दूध पीता बच्चा माँ की गोद में, छाती में दूध नहीं, और फिर हुक्म मिला तो तश्किल में कि इनको यहाँ छोड़ो और तुम चलो। एक तश्किल तो वहां से हुई थी यहाँ लाने की, अब यहाँ इनको छोड़ के तश्कील पे तश्कील, एक चिल्ला, दूसरा चिल्ला, तीसरा चिल्ला। फिर खाद देखा, बेटा मैं देख रहा हूँ तेरे गले पे छुरी चला रहा हूँ। बेटे ने क्या कहा, या बतिफ अलमा तुकमर, अब्बा जी इस घर में जब से मैंने आँख खोली है, कभी माँ की गोद में हुआ, कभी आपके पास हुआ, वतन में हुआ, यहाँ आया जंगल में हुआ, मैंने तो इस घर की खास बात यह देखी है कि हर हाल में वो मेरी मेरे आपकी जब अब्बा की जब तश्कील हो रही थी और अम्मा ने पूछा था कहाँ जा रहे, आप लोग मुझे पूछेंगे ना कहाँ जा रहे, ये जंगल ये दूध पीता कहां जा रहे, कोई जवाब नहीं। तीन दफे के बाद अल्लाहु अमरका बिहादा, ये जो कुछ आप कर रहे हैं अल्लाह के हुक्म की वजह से कर रहे हैं। सर हिलाया, जब घर वालियों को ईमान सिखाएंगे, जब घरों में ईमान की आखिरत की कबर की हशर की अमलों पर अल्लाह की तरफ से मिलने वाले इनामात की बातें होंगी तो औरतें साथ देंगी। क्या कहा, इधर जंगल हो बाग हो, पानी की बूंद नहीं, साये को दरख नहीं, कोई मानूस करने वाला इंसान नहीं, अल्लाह का हुक्म आबादी के लिए ही है, बर्बादी के लिए नहीं है, जारी अल्लाह के रास्ते। अम्मा अब्बा मैंने तो इस घर में जब चाक खोली यही देखा है कि हमारा तो जीना मरना खाना भूख प्यास फाका, अल्लाह का हुक्म क्या है, बस आपको हुक्म दिया छुरी चलाने का, या आप कर गुजरिए जो अल्लाह ने कहा है,
इसी को कहते हैं तरबियत। इसीलिए दोस्तों सिर्फ औरतों के लिए कपड़े और जेवर और बच्चों को ये और वो उसके शौक पूरे कराने हैं, सबसे ज्यादा अपनी जात से दीन सीखना, अपनी जात की जिंदगी दीनी बनाना और अपने बच्चों के लिए सबसे बड़ी जो मीराश है वो दीन। मालिक बिन दिनार ने उस बेटी से पूछा ख्वाब में, बेटा फिर वो जंगल क्या था, वो अजहर क्या था, वो बरेमिया कौन थे? अब्बा जी, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी पर तो अल्लाह ने ये फैसला कर दिया कि बालिग होने से पहले कयामत तक जितने बच्चे मरेंगे एक बच्चे की कुर्बानी पर अल्लाह ने सबके लिए कह दिया, उस हजरत इब्राहिम अल्लाह हमें कुर्बानी वाला बना रहे, हम पैसा बचाना चाहते हैं, अल्लाह का हुक्म तोड़कर मालदार होना चाहते हैं, जो है वो भी हाथ से जाए। हुक्म पूरा करते हुए अगर हाथ से जाता नजर आता है वो नुकसान नहीं है, वो कुर्बानी है, वो अल्लाह का फल दिलाता है। और जब अल्लाह हमारे हो जाएंगे, अल्लाह हमारे, अल्लाह के खजाने हमारे। बेटा वो जंगल, अब्बा जी अल्लाह पाक ने आपको नींद में दिखा दिया हशर का मैदान, या जन्नत तक्तू रब्बकुम इन ज़लज़लत अस्साअत शैय्युन अज़ीम, वो ऐसा क़यामत का मैदान, हशर का मैदान। बेटा वो अज़हा क्या? अब्बा जी जैसे आदमी अच्छे किस्म के खाने खाता है, तंदुरुस्त मोटा तगड़ा होता है, और इसी के साथ वही खाना पखाना बन के भी आता है। अब बाजी वो जो आपने गुनाह किए हैं, दादा की मीराश पैसा दौलत अय्याशी में, हराम कामों में, हराम चीजों में उसने पाला है, उसने मोटा किया है, या क्या? मैं तो कहा करता हूँ भाई, ये तो कुछ वाकया है मालिक बिन दिनार का। हमने से हर एक को हमारे बड़ों ने कहा, रोजाना मुहासबा किया करो अपना हिसाब, सुबह बिस्तर में आँख खोलने से लेके रात बिस्तर पर आने तक कितने सांप बिच्छू तैयार किए हैं, कितनी हूरें हिलमान और जन्नत के पोशाक तैयार किए हैं। देखो तो होना ही है, चावल गोश्त मसाले से बिरयानी तैयार होगी। मालिक बिन दिनार की आंख खुल गई, अल्लाह जब किसी को हिदायत। इसलिए दोस्तों हमारा इज्तिमा, हमारी ये मजलिसें, ये खाली मजमा जमा कर लेने के नहीं, खुदा सबसे पहले मेरी और आप सबको और पूरी उम्मत को अल्लाह पाक अपनी पिछली तमाम खताओं पर सच्ची नदामत और तौबा नसीब फरमाए, और अल्लाह का बंदा नबी का उम्मती अमानतदार सच्चा बनकर जीने के लिए अल्लाह कबूल फरमाए। उसकी उसके लिए मेहनत होती है। तुम्हारी जमीनों से जीरा लेते हो ना, अरे क्या कहते हो जीरा, अरे उठो क्या एक लाओ तो पहले भर के आ गया। जीने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, गेहूं के लिए मेहनत करनी पड़ती है, और गेहूं बहुत सारे चाहिए तो पहले वो जो तुम्हारी मुट्ठी में ना वो डालो, है जी। कुर्बानियां दी जाती है, मेहनत की जाती है, फिर अल्लाह की दहेज के दरवाजे खुलते हैं। मालिक बिन दिनार को अल्लाह पाक को हिदायत देने की आंख खुली, अपनी पिछली पर नदामत हुई, तौबा की, व्यापार किया, चल दिए मालाबार जो है ना हमारे यहाँ मालाबार इलाका, वहां उनकी खबर है।
अल्लाह के रास्ते में चले हैं, मेहनत की है, मुजाहदे किए हैं, और कितनों को उनके हाथों अल्लाह ने विलायत के दर्जे तक पहुंचाया। ये अल्लाह का रास्ता है। अच्छे अमलों पर अल्लाह पाक दुनिया में भी खुशगवार जिंदगी देते हैं और आखिरत के इनामात का तो कोई होश सोच नहीं। और वमन अअरदा अन ज़िक्री فإن له معيشة ضنكا, جو ہمارے حکموں سے منہ موڑتے ہیں نبی کی سنتوں کے خلاف, وہ شادی ہو, ولیمہ ہو, کھانا ہو, کمانا ہو, دکان ہو, زمینیں ہوں, قرآن نے خود کا صاف اعلان کیا, وما آتاکم الرسول فخذوه, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیا ہے وہ لے لو, اس سے روکا ہے اس سے رک جاؤ, یہ حلال یہ حرام, یہ جائز یہ ناجائز. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. قرآن کہتا ہے یہ زندگی کے جتنے شعبے ہیں, اللہ جزائے خیر دے علماء کرام کو, میں تو کہتا ہوں بار بار علماء کے پاس بیٹھا کرو, ان کو کھودو, ان کو پورے دو, ان میں سے علم نکلے گا. آدمی کی دینی زندگی کے پانچ شعبے, سب سے پہلے عقیدہ صحیح ہو, اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں, اللہ ہی سب کچھ, وہی معبود برحق ہے, اسی کی عبادت کی جائے. ایمان, عقیدہ, اس کی عبادت, آپس کے معاملات, لین دین, یہ بہت نازک چیز ہے. حج بھی, عمرے بھی, چھٹے بھی, نفلے بھی. لیکن ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے, من المخلص, مخلص کون؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول, جس کے پاس پیسہ نہ ہو مخلص. آپ نے فرمایا نہیں, وہ انصاف کا دن, اولین آخرین جن و ان سب جمع ہوں گے. شکم ہادا اخذ مال ہادا فقدم هذا اغتاب هذا, اس کو تھپڑ مارا تھا, اس کو گالی دی تھی, اس کی زمین دبائی تھی, اس کی غیبت کی تھی. انصاف کا میدان ہے, کرنسی وہاں کی الگ ہے. بس جیسے ہندوستان میں ہیں تو ہندوستان کا پیسہ, حج کو گئے, عمرے کو گئے تو جب سے اترتے فوراً تمہارا 2000 روپے کا نوٹ, گدے کے کام جتنا, گدے کا کام اتنا ہوتا, 2000 کا نوٹ لے کے گیا دکان پر, نمک کی تھیلی نہیں دے گا, اور سعودی ریال کا 1 ریال اتنی بڑی تھیلی دے دے گا. یہ کیا ہوا, کیوں نے بارڈر بدل گئی, کرنسی بدل گئی, موت سے پہلے کی ہے یہ ساری. سکرات شروع ہوئی, کرنسی بدل گئی. سوامی کا بھائی کیا کہہ رہا تھا میں, عقیدہ صحیح ہو, عبادت صحیح ہو, آپس کے معاملات کے سارے حج عمرے سب چلے جائیں گے. بلکہ اتنا نہیں, اگر دینے کو اس کے پاس نہ رہا تو ان کے گناہ اس پر ڈالے جائیں گے, جہنم میں جائے گا. اس لیے لوگوں کے حقوق حدیثوں میں بھی ہے, اپنا حق تو اللہ پاک بڑے سے بڑے پاپی اور گنہگار کو معاف کر دیتے ہیں, بندوں کا حق اللہ معاف نہیں کرتا بندوں کا. اس لیے دعا میں حضرت آدم ہے نا, اللہم انی اعوذ بکا
من ان اظلم او اظلم اجهل او يجهل او اكسب خطيئه او ذنبا لا تغفر الا ظلم سے. یا کوئی ایسا گناہ کوئی ایسی خطا جس کو تو بھی نہ معاف کرے اللہ اس سے تیری پناہ. یہ اللہ بھی نہ معاف شرک کو تو معاف یہاں شرک کو معاف کر دے گا وہ اس کا گناہ اس کی ذات کے ساتھ لیکن بندوں کا گناہ اللہ بھائی کا بہن کا پڑوسی کا ماں باپ کا جیسے لوگ میراث کھا جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بہادر قرآن تو قرآن ہے خدا کے اور تمہارا علاقہ تو ماشاء اللہ علماء مدارس قرآن نے سب بتایا. یوں کہتے ہیں اپنے بڑوں سے مشورہ کیا کرو اور بڑوں کے بتلائے راستے پر چلا کرو. جیسا ہمارا ایک کام ہے 100 سال پورے ہونے والے بڑوں نے جو اصول دیے ہیں اس طرح بیٹھ کرو اس طرح تعلیم کرو نمازیں پڑھو اپنی ذات سے کرتے ہوئے جہاں جاؤ وہاں سے جماعت نکالو مسجدوں کا بہت سادہ کام ہے اور جان اپنی مال اپنا لگاؤ. اسی لیے سورہ نون نون والقلم وما یسطرون سورہ نون ہے نا اس میں عجیب واقعہ ہے. ایک آدمی تھا بہت بھلا آدمی تھا اس کا بڑا باپ سالانہ باپ کی آمدنی میں سے اس کے اپنے بچے بھی تھے گھر کھانا پینا لیکن کچھ یتیموں کو کچھ بیواؤں کو کچھ غریبوں کے یہاں دیا کرتا تھا. اس کا ہو گیا انتقال اب آئے بیٹے آج کل جیسے اولاد کہتے ہیں نا ابا کو ابا کوئی بات کہ ابا آپ نہیں سمجھتے اچھا بیٹا تم میرا ابا آج کل کی اولاد سوچے اپنا ادب بڑے سے کیسے بات کرنا اما ابا کے پاس کیسے رہنا ہوتی کیسے آج کل اسی لیے کہتے ہیں دین سیکھو دین سیکھو دین سیکھو. وہ تین بھائی تھے بڑے نے کہا خبردار اب اس سال سے کسی کے گھر اپنے باپ کا کوئی پھل نہیں جائے گا. ارے بھائی ابا 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 کیا ابا ابا کرتا ہے ابا تو تھاری تھے بیٹے آج کل کہہ رہے ہیں اباؤں کو ابا نے نہیں پڑھا ہے ڈگری ہمارے پاس ہے والا بھائی سمجھاتا رہا بھائی مان جاؤ ابا جیسے ایک دن گئے باغ دیکھا بالکل تیار ہے. اس نے بڑے نے کہا کہ اندھیرے میں جائیں گے اور سارا باغ اتار کے لے آئیں گے کسی کو ہوا نہیں لگنے دیں گے. گئے بیچ والا یہ جو لوگ سمجھاتے ہیں نا بس یہ سود یہ لون یہ چوری یہ جھوٹ یہ بھائی بہنوں کا حق کھانا یہ پڑوسیوں کو ستانا یہ کسی کے راستے میں ٹانگ کر بھائی یہ زندگی اچھی نہیں ہے تھوڑے دنوں سے پھر ملتی ہے تو پھر اللہ پاک آپ لوگوں کو سب کو معلوم ہے ہمارا علاقہ تو سارا کھیتی والوں کا بھی اور وہ ہے بیل ہے نا بیل اگر آپ کا گھر یہاں ہے 3 میل پر آپ کا کھیت ہے وہاں سے اکیلا بیل کو چھوڑ دو تو سیدھا مالک کے کھوٹے پر آتا ہے. بیل بھی اپنے مالک کا کھوٹا نہیں بھولتا. اللہ جب پکڑ کا ہاتھ ڈالتے ہیں تو یہ تینوں بھائی کبھی آگے کبھی پیچھے بھائی جان جی بھائی تو اپنا بھاؤ یہی تو تھا نہیں نہیں کچھ ہم آگے نکل آئے چلو پیچھے بھائی جان بھاؤ یہاں تھا نہیں بھائی یہاں نہیں تھا. اگر بیل نہیں بھولتا ہے اور تم باغ بھول گئے اللہ اللہ ہے اس کو پہچانو اس کی قدرت کو سمجھو اس کے فرما بردار بنو اس کی نافرمانیوں سے بچو.
کے پاس جب پہنچے تو وہاں کچھ تھا اس لیے اللہ نے کوئلہ بنا دیا تھا. کیا کیا تھا؟ کوئلہ بالکل جل گیا. ہم گئے تھے وہاں, ہماری جماعت جب گئی تو وہ سارا دیکھا اور ان کو کمنڈ کیا تھا, اپنے پاس باغ بھی ہے اور اپنے پاس تو نہر کا پانی بھی, اپنے نہر پاس تو پانی کا اتنا بڑا ذخیرہ ہے کہ کسی آسمان برسے نہ برسے نہ برسے کوئی پرواہ کی بات نہیں, اپنے پاس بند ہے. اللہ تو اللہ ہے, وہ بند ٹوٹا چوہے نے توڑا, سوراخ ہوا وہ ہوتے 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 ٹوٹ گیا, پانی سارا بہ گیا, سیلاب بن گیا. بارسلنا علیہم سیل العرم وبدلناہم بجنتیہم جنتین ذواتی اکل خمر واثل وشیء من سنین قلیل ذلک جزیناہم بما کفروا وهل نجازی الا الکفور. ہم نے سیلاب بھیجا پھولوں کو پتھر اور پھلوں کو پتھر اور پھولوں کو کانٹے سے بدل دیا اللہ نے. ہم نے دیکھا اپنے ہاتھوں سے, اور یہ سارا کر کے اللہ نے کہا یہ کیا ہوا, انہوں نے ہماری نعمتوں کی ناقدری کی. کیوں؟ اللہ نے اس قوم کے لیے 17 نبی بھیجے تھے, ہر نبی نے آ کر کے یہ کہا کلو من رزق ربکم واشکروا لہ, یہ جب تمہارے پاس باغات اور زمینیں اور آمدنی اور پیسہ یہ اور وہ اللہ کی دی روزی ہے, کھاؤ پیو واشکروا لہ, اللہ کی دی ہوئی روزی سے اللہ کے حکموں کو پورا کرو. جان مال دین سیکھنے میں, دین دنیا میں پھیلانے میں, نبی کے غم کو اپنا غم بنانے میں, نبی والے آنسو اور آہیں اپنی بنانے میں اس پر لگاؤ یہ شکر گزاری. فاعرضوا, قرآن کہتا ایک مانیں گے اللہ کی نہ مانیں گے اللہ کے نبی کی, کریں گے وہ جو ہمارے سینے آئے گی, کیا حلال حرام لگا رکھا ہے, کیا مولوی فرض فتوے دیتے رہتے ہیں, ہم اپنے مرضی کی کریں گے. اللہ نے سلام بھیجا اور اخیر میں کہا یہ جو کچھ ہم نے ان کے ساتھ کیا ہے یہ ان کی ناشکری پر ہماری سزا ہے, اور سنو قیامت تک ہمارا یہی دستور رہے گا, جتنا بڑا زمیندار ہو اور جتنی بڑی فیکٹریاں ہوں اور جتنی طاقت صحت تندرستیاں ہوں اور جتنی بڑی برادری اور قوم اور علاقہ ہو, ہماری نعمتوں کی جو ناقدری کرے گا ہم اسے ہمارا معاملہ اس کے ساتھ نہیں ہوگا. قیامت کا دستور, اسی لیے دونوں طرح کے واقعات ہم کو ایمان والوں کو حکم ہے نا, ایمان والوں کو حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا کونو انصار اللہ, تمہارے پاس جو کچھ اللہ کی دی ہوئی ہے, تن نصرت کہتے ہیں باغ میں پانی دینا, زمین میں پانی دینا, کتنی اچھی زمین ہو, زیرہ اگانے والی ہو, زعفران اگانے والی ہو اور سیب اور انگور اور قسم قسم, لیکن اصل تو پانی ہے نا, پانی چاہیے کھیتی کو. تو نصرت کہتے ہیں باغ کو پانی, زمینوں کی آپاشی اور سچائی. ایمان والو, تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال مکے کی 13 سالہ اور مدینے کی 10 سالہ, ابو بکر عمر عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہم, وہ تمام مہاجرین انصار, وہ باغ لگایا ہے جس کا پہلا درخت توحید خالص ہے, ایمان خالص, ایمان عبادت اخلاق, وہ باغ لگایا ہے تم اپنی جانوں کی, مانوں کی, اپنے بیٹوں کی, پوتوں کی, نواسوں کی, بھائی بھتیجوں کی, ایسی ترتیب بناؤ کہ تمہاری راتوں سے, تمہاری جوانیوں سے, تمہارے پیسوں سے, تم انسان ہو, فرشتے تو ہو نہیں,
आज्ञा करोगे, बच्चे होंगे, लेकिन हर चीज में ये देखो कि मेरा मेरा ये खेत, मेरी ये दुकान, मेरी ये जवानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाव को पानी पहुंचा रही है, सुन्नतें फराइज अहकाम या जड़े खोखली कर रहा है, इसको देखते हैं। ये मदीने वाले जो थे, मदीना मुनव्वरा को पहले हुजूर की बैसत से पहले यसरिब कहते थे। क्या कहते थे? यसरिब, अरबी जबान के अतिवार से यसरिब उस जमीन को कहते हैं कि वहां आदमी पहुंचते ही फौरन बुखार हो जाता था, बुखार ज्यादा जमीन। चुनांचे सहाबा भी जब आया है तुमको बुखार हुआ, फिर हुजूर ने दुआ फरमाई तो मदीने का फिर बुखार चला गया। इनके पास खाने को न पीने को, रास्ते से गुजरने वालों के काफिले लूटना, उनको मारना, दो खानदानों में लड़ाई वही यसरिब में, और हर एक बहादुर उसको कहता था कि जो सामने वाले को मार कर खोपड़ी का प्याला निकाल कर मरे हुए का खून भर कर पिए वो बहुत बहादुर। ये जिंदगी जी रहे थे। उस कौम के पास बागात थे, 17 नबी आए, बराबर अल्लाह की नेमतें याद दिलाई, ना फरमानिया की, तबाह बर्बाद हो गए। यहाँ उतर कर हिरा से शुए कौम आए, उतर कर हिरा से शुए कौम आए, एक नुस्खे कीमिया साथ लाए, जो खोपियों में खून भर के पीते थे, रास्ते से चलने वाला कोई अमन अमान से जा नहीं सकता था, जिनकी जिंदगियां दूसरों के लिए मुसीबत बनी हुई थी, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने इनमें आपस में सुलह कराने के लिए, इनकी लड़ाइयां खत्म हो, जमीनों के टुकड़े नहीं बांटे, कपड़े नहीं बांटे, पैसे नहीं बांटे, من اصلح ما بينه وبين الله اصلح الله ما بينه وبين خلقه او كما قال عليه السلام। उनको दो बुनियादी बातें बता दी, जमीनों से मसले हल नहीं होते, पैसों से मसले हल नहीं होते, लड़ाइयां खत्म नहीं होती, दिलों में सफाई नहीं आती। आपने फरमाया दो काम कर लो, जिस बंदे बंदी ने अपना अल्लाह के साथ का मामला सही कर लिया, अल्लाह अल्लाह है, खालिक कुल शय, रब कुल शय, मलिकहु वल फर्दु ला निद्द लहु ला जिद्द लहु वला मिस्ल लहु वला मिसाल लह, احد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد। وهي एक अकेला सब कुछ, मुझे वजूद उसने दिया, मुझे मेरी मौत उसके कब्जे में, इसीलिए हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात में लोगों के अमानत लेकर सबकी अमान से पहुंचा के आ जाना, देखा कि लोग क्या रोकर पहले में खड़े हैं, वे आप कैसे खड़े हो, वो आपकी हिफाजत के लिए। फरमाया जाओ पढ़ के सो जाओ, अगर आसमानों में मेरी मौत तय है तो तुम जितने हो उससे लाखों गुना मुझे बचा नहीं सकते, मेरी जिंदगी आसमानों में लिखी हुई है, ये जितने हैं उससे दसियों गुना कोई मेरा बाल बिका नहीं कर सकता। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदह ला शरीक लह, मौत हयात का तन्हा मालिक, इज्जत जिल्लत का तन्हा मालिक, बनाने बिगाड़ने वाला अकेला। मदीने में आने के बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों खानदान
ایک ہی سبق تھا اور وہ سبق صرف ان خاندانوں کے لیے نہیں حضور کی نبوت کا قیامت تک کے لیے ہے نا. آپ ہمارے بھی نبی ہیں اور دنیا میں جو کوئی جہاں چاہیے حضور کا سب کے لیے. سب کو یہ سبق پڑھایا اپنا معاملہ اللہ سے ٹھیک کر لو. آسان الفاظ میں کلمہ سیکھ لو, کلمہ سیکھ لو. ایک یہ بتاؤ اور دوسرا نماز کے بعد تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ جاؤ. اب جو فضائل سامنے آئے جس نے قرآن کا ایک حرف, جس نے قرآن کی ایک آیت اور جس نے نماز میں کھڑے ہو کے نماز میں بیٹھ کے اب جو فضائل آئے تو وہ دو خاندان ایک اور ایک حضرت کبھی حلقے میں یہ حضرت جی کو سکھا رہا ہے, حضرت جی اور اسی کو سکھا رہا ہے. محبتیں آ رہی ہے یہاں تک کہ بعض مرتبہ کٹر خدا رسول کے دشمن مدینے میں آئے, مدینے والوں کی زندگی دیکھی, ان کے مارکیٹ, ان کے بازار, ان کی منڈیاں, ان کا آپس کا میل جول, رہنا سہنا. تو وہ جاتے جاتے یوں کہہ دیے, کہہ گئے جیسے باغ اگر پھلوں سے لگا ہوا ہو تو منہ میں پانی آتا ہے نا, یہ کیا شاندار میل ہے, کیا شاندار سیب ہے, کیا شاندار منہ میں پانی آتا ہے. مدینے والوں کی زندگی دیکھ کر یوں کہتے ہوئے گئے یا لیت لنا, یا لیت لنا مثل ما اوتی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کاش ہمیں یہ زندگی مل جاتی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو ملی. کیسی محبت ہے, کیسا بھائی چارہ, کیسی برکت ہے, کیسا. اسی لیے جو ہمارے یہاں راشن ہوتا نا, تم تو سارے فرشتے ہو یا نہ ہو نہ, اگر راشن لیتے ہو راشن کارڈ ہوتا ہے, جب راشن ملتا ہے تو لائن لگتی ہے نا, آٹا چاول دال. جس مدینے میں حضور کی ریاست سے پہلے کوئی صحیح صالح اس راستے سے گزر نہیں سکتا تھا, فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انا وقافل الیتیم کہا تھا, میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ساتھ ہوں گے ہم جیسے راشن میں لائن لگاتے ہیں. اگر مدینے میں کسی کا انتقال ہوتا تھا تو ایک لائن لگتی تھی, یہ یتیم بچے ہمارے حوالے کر دو, ہمیں جنت میں حضور کا ساتھ چاہیے. جس ماحول میں یہ ہو اس ماحول میں کوئی آدمی بیوہ سے زبردستی دستخط کرا کے یتیموں کو دھمکیاں دے کے ان کی جائیداد, ان کی زمین, ان کا مکان تو زبردستی لے سکتا ہے اس ماحول میں؟ یہ چونکہ مدینے والا ماحول نہیں ہے, تو مدینے کا ماحول آج صبح تو من صاحب بیان کر رہے تھے ماحول کو. اللہ اکبر. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے پاک آ کر سب سے پہلے کلمہ اور تعلیم, پھر نماز میں کھڑا ہو تو کندھے سے کندھا, جو سورج دیکھنے کو تیار نہیں تھا اب کندھے سے کندھا, اخوت, اشارہ, محبت ایسی آئی. اللہ اب برکتیں, جن کے پاس اپنے کھانے کو نہیں تھا, جن کے راستے سے کوئی صحیح سالم گزر نہیں سکتا تھا, وہ یتیم بچے کو کفالت میں لینے پر, ارے بھائی ایک ہی بچہ ہے وہ تو خدا نے لے گئے تو اب میں کیا کروں, قربان جائے کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے, کہ جو یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرے گا, جتنے بالوں پر سے ہاتھ گزرے گا اس میں ایک کیا لکھی جائے, مرنا مجھے ہے, یہاں کی کرنسی یہاں رہ جائے گی, میری آخرت بن جائے, میرے پاس یہ سامان ہو جائے. بھائی بچے یہاں آؤ, اب یہ بھی ہاتھ پھرا رہے ہیں, وہ بھی ہاتھ پھرا رہے ہیں, آخرت سامنے ہے. اس لیے میں نے کہا تھا
दुनिया में आने का रास्ता एक और दुनिया से जाने का रास्ता बीच का जो वक्त है उसका नाम जिंदगी है, और यह जिंदगी अल्लाह ने दी ही है आखिरत बनाने के लिए। दुनिया खुलकत लकुम वइन्नकुम खुलकतुम लिल आखिरा, दुनिया तो तुम्हारे बरतने को गुजारे का सामान है, असल तो तुम आखिरत के लिए पैदा भी हुए। ये तुम्हारी 60-70 साल जिंदगी और ये तुम्हारी जवानियां, तुम्हारे खानदान, तुम्हारे कारोबार, तुम्हारी रातें और तुम्हारे साथ जो कुछ है, हर कदम पर ये देखो कि ये कदम आखिरत बनने की तरफ या उजड़ने की तरफ। हर लुकने को देखो, हर बोल को देखो, घर की जिंदगी को देखो, कारोबार देखो, समाज सोसाइटी देखो, शादियां ब्याह देखो, रास्ता बनो। वह देना हमने दे वो रास्ता भी है जिससे हर कदम पर आखिरत बन के चली जाए, वो रास्ता भी है जिस पर वो कानून फिरौन शद्दाद के साथ कहकर और आखिरत बिगड़ के चली जाए। इसीलिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल तय्यस मन दान नफ्सहु وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع هواه نفسه وتمنى على الله الامان او كما قال عليه السلام۔ تم میں سمجھدار مرد و عورت وہ ہے جو اپنی منمانیوں پر، اپنی جی کی چاہتوں پر، اپنی خواہشات پر قابو پائے، مرنے کے بعد کی زندگی میں کام آنے والے عمل کرے۔ اس کو حضور نے سمجھدار، بہت نادان اپنے ہی ہاتھوں اپنے پیروں پر کلہاڑی مار رہا ہے وہ مرد اور وہ عورت جو اپنی خواہشات کے پیچھے اللہ کے حکموں کو توڑتے ہوئے، آخرت سے آنکھیں بند کرتے ہوئے، قبر حشر عذاب ثواب کو بھلاتے ہوئے جانور کی طرح بھاگے جا رہے ہیں، ان سے زیادہ کوئی نادان نہیں۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے، آپ کو اور پوری امت کو تھرمامیٹر دیا ہے، جیسے ایکس رے مشین ڈاکٹر صاحب کی بھی پسری بتا دیتا ہے نا، ایسے یہ تھرمامیٹر پرانے سے پرانے ہو، قربانی والے ہو، چنی ہو، چنا ہو، یہ دیکھ لو عقل مند ہو، سمجھدار ہو، یہ اپنے ہی ہاتھوں اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں۔ قوم سبا کے تو 350 میل تک کے باغات سے نبی کی نہ مان کر دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی۔ مدینہ والوں نے کہ مکے والوں نے تو رشتے داروں نے بڑی مخالفت، کوئی آپ کی بات سننے کو تیار نہیں، کام کرنے دینے کو تیار نہیں۔ مدینے والے جا کر لے آئے تھے حضور پاک، اور پھر جو ساتھ دیا، اور پھر جو نصرت کی، کیونکہ یا ایھا الذین آمنوا کن اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ، یہ کتنی پسند آئی اللہ کے نبی کو، تو اتنی پسند آئی، لو کانت الدنیا لو کسرت الدنیا مسلکا وسلکت الانصار وادیا، لو سلکت الناس وادیا وسلکت الانصار وادیا لسلکت وادی الانصار۔ دو راستے ہوں، دنیا ایک راستے جا رہی ہو، انصار دین کے مددگار ایک راستے جا رہے ہوں، میں اللہ کا نبی ان کے والے راستے پر چلوں گا۔ نصرت اتنی پسند آئی کہ وطن کا آپ کا مکہ مکرمہ ہو، لیکن مکے والوں کی ناقدری۔ ضرب اللہ مثلا قرية آمنة مطمئنة، قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، اس بستی کی مثال، بہت کچھ کھانے پینے کو، کیا قصہ، فکفرت بانعم اللہ، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی، سب سے بڑی نعمت حضور اللہ کے نبی مکے میں، پھر قرآن، کعبہ ناقدری کی، اللہ نے نعمت لے لی۔ مدینہ والوں نے نعمت کی قدر کی، قیامت کا سول پھونکے جانے تک اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم
مدینے میں رہیں گے, اگر سور پھونکا جائے گا سب سے پہلے آپ اپنی قبر مبارک سے مدینے سے اٹھیں گے. اچھا سبا کی ناپلیوں پر وہ ساری تباہی انصار مدینہ نے ساتھ دیا, کیسی برکتیں کیسی برکتیں, جانوں میں مالوں میں حال میں علم میں عمل میں, وہی مرکز بن جائے علم کا. سید ابن الناس اخبار ایبیلی مدینے والو چاروں طرف سے لوگ آئیں گے علم نبوت کے لیے خبردار بنانے والوں کے ساتھ. میرے دوست اور بزرگو, اللہ نے آنے کا راستہ ایک جانے کا راستہ ایک, بیچ کی ایک تھوڑی سی تھی, یہ چمک دمک یہ اچھل کود, فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. لوگو اللہ کے والے وحید حق ہیں, یہ تھوڑی سی اچھل کود یہ چمک دمک یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے, اللہ سے دور نہ کر دے, حکموں کو نہ تلوا دے. اور وہ سب سے بڑا دشمن شیطان جس نے ابا سے جنتیں چھلوائی, اما ابا کو ننگا کروا دیا, کپڑے اتروا لیے اور 40 سال تک رلوایا, خبردار خبردار الابصار, اپنے باپ کا راستہ دیکھ کر اس واقعے کو دیکھ کر اپنی آنکھیں کھولو. ہاں جب ابا نے فتنبا آدم ربہ کلمات فتاب علیہ, پھر اللہ ہی نے توبہ بھی سکھائی, ربنا ظلمنا انفسنا ربنا چوک ہو گئی چوک ہو گئی. حدیثوں میں آتا ہے اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, دونوں آئے حرم شریف میں, طواف کعبہ کیا, 2 رکعت پڑھی, پھر کہا انک ترا مکانی, پروردگار تو مجھے دیکھ رہا ہے میں کہاں ہوں, تسمعوا کلامی, میں کیا کہہ رہا ہوں وہ بھی تجھے سن رہا ہے, تعلم سری و علانیتی, میرا اندر باہر سب تیرے سامنے ہے, فقبل معذرتی, میری معذرت قبول کر لے مجھے معاف کر دے, تعلم سری و علانیتی فقبل معذرتی و تعلم حاجتی, میری ضرورت بھی تجھے معلوم ہے مجھے میرا سوال پورا کر دے. یوں اس روایت میں ہے کہ اللہ بعد میں آدم علیہ السلام کی یہ سن کر قبول فرما کر فرمایا, آدم آگے تیرے بیٹے قیامت تک جو ان کلمات کے ساتھ مجھ سے عذر خواہی کریں گے اور اپنی چوک کی معافی مانگیں گے ان کی بھی ان کلمات کی برکت سے ایسی ہی قبول کروں گا جیسی تیری قبول کی. یہ واقعات میری تمہاری آنکھیں کھلوانے کے لیے اب تک میں نے آپ نے امت نے جہاں کہیں اللہ کو بھلایا نبی کو بھلایا اپنی منمانیوں پر اور اسی کو اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے رہے اور اپنے ہاتھوں کھلائی مارتے رہے. اللہ نے ایک راستہ دیا ہے توبہ کا, سچی توبہ, اور توبہ کا مطلب جانوں پر تو انگلیاں ہر ایک ناک پر مجھے تو آتی نہیں ہے, وہ جو آپ سے کرنے والے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے, توبہ نام ہے دل کی چوٹ کا, میں کون کیا کیا میں کون کر جا رہا ہوں, دی ہوئی جان اللہ کی, دیا ہوا مال اللہ کا, تعلقات اللہ کے, حیثیت اللہ کی دی ہوئی, اور میں کہا اے اللہ مجھے معاف کر. جب کوئی معافی مانگتا ہے اللہ معاف کر. میرے دوستو, اس علاقے کی 50-60-70 سالہ پرانی تاریخ ان علماء سے پوچھو, قرآنوں سے پوچھو, اللہ نے اس وقت میں کیسا کرم فرمایا ہے, مدرسے بھی ہیں, خانقاہیں بھی ہیں, علماء بھی ہیں, تبلیغ کا کام یہاں سے کیسے اور کیسے کیسے تمہارے پرانے. اللہ اگر ہم اس نعمت کی قدر کریں گے اللہ نعمتوں کو ہماری نسلوں پر اور اللہ کی ہدایت. اس لیے مجھ سے آپ سے اب تک اس دعوت کے تقاضوں پر یہ آخری بار سنا دوں تو تمہارے تو پورا ہی نہیں ہوتا.
एक मरतबा बांग्लादेश के इज्तिमा में बैठे हुए थे इज्तिमा के बाद, तो हजरत रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया इस सदी में दावत की ये सादा आसान सी मेहनत अल्लाह की नियामत है। फिर फरमाया अल्लाह का दस्तूर है नियामत की कदर पर अल्लाह नियामत बढ़ाते हैं। इस नियामत की कदरदानी क्या है? फरमाया इसके तकाजों पर अपनी जान माल को झोंक देना ये इस नियामत की कदरदानी है, और जान चुराना नाकदरी है, ये थर्मामीटर हजरी देने से हरेक अपना थर्मामीटर अपनी बगल में अपने सीने में लगा करके देख ले, मकामी काम के अतिवार से, बाहर की नकल हरकत के अतिवार से, आने वाली जमातों को संभालने के अतिवार से, इस्तेमाल को जोर करने के अतिवार से, मस्तूरात के काम के अतिवार से, पढ़े लिखे और स्टूडेंट और प्रोफेशनल की लाइन से, ताजिरों और खवास की लाइन से, कब कब इसके कितने तकाजे सामने आए, कब कब हमने जान चुराई और कब कब हमने जान खपाई। अगर जान चुराई है ये मजलिस है, रहमतें बरस रही है, अल्लाह देने पर तुले हुए हैं, मैं भी तौबा करूं, आप भी तौबा करो और कहो आज तक के कुसूर से अल्लाह से माफी मांगते हैं, आज के बाद इस काम को अपना काम बनाएंगे, इसके तकाजों को पहले पूरा करेंगे, और जो इसको आगे रखेगा दुनिया को अल्लाह पाक उसकी मुक्ता शक्ति बनाएंगे। अब बोलो कौन तैयार? पहले सारा बंदा एक एक आवाज कहो इंशाअल्लाह आज तक के कुसूरों के अल्लाह से माफी मांगेंगे, इस काम को अपना काम बनाएंगे। अब इस मजमे में अभी तक ऐसे हैं बहुत सालों से चिल्ला पाबंदी से देते हैं, लेकिन अभी तक चार महीने साथ में लगे, सबसे पहले वो खड़े हो जाए कि इंशाल्लाह चार महीने के लिए तैयार है, बिल्कुल मत घबराओ, अल्लाह हय्यूम है, नबियों को उसने दिया, पैगंबरों को उसने दिया, औलिया को उसने दिया, खुदा मुझे तुम्हें महरूम नहीं करेगा, हिम्मत करके खड़े हो